नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। हर मनुष्य में एक समस्या होती है, सांस फूलना। चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, बैठते हैं तो सांस फूलने लगती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीसलपुर सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर एम एस लोधी। डॉक्टर सर, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर एम एस लोधी, बीएमएस एमडी मेडिसिन, सिटी हॉस्पिटल बीसलपुर। यहाँ पर आजकल जो सर्दियों के मौसम में जो सांस के पेशेंट, सांस को जो हार्ट के जो पेशेंट हैं, जिनकी एज जो 40 प्लस है ना, तो उनको ये दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे मरीजों को अगर घर पर कोई भी कैसे किसी भी टाइप की कोई सांस की दिक्कत हो, तो तुरंत जाके वो आपके आसपास में जो भी एक डॉक्टर है, कोई भी एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं आपके, उनसे आप संपर्क करें। क्यों, आजकल जो सांस के पेशेंट को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। सांस के पेशेंट का कोई ये नहीं है कि वो सांस के पेशेंट आपके एक हार्ट का भी पेशेंट हो सकता है, वो आपका फेफड़ों का पेशेंट हो सकता है। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कैसी दिक्कत हो, ऑन द स्पॉट आपके जो आप जो डॉक्टर हैं उनका आप संपर्क करिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा ये था, ये सांस फूलने की बीमारी क्यों होती है, कारण क्या होते हैं इसके? सांस फूलने की बीमारी के कोई एक एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, इसके काफ़ी रीजन होते हैं। एक तो आपका जो जो आपके जैसी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आपका जो स्मोकिंग आपका, वो एक काफ़ी रिस्क फैक्टर होता है। तो स्मोकिंग वजह से आपकी सांस थोड़ा फूलती है। और एक काफ़ी पेशेंट है, एक आपका ये जो एरिया है ये काफ़ी इलिटरेसी है, तो यहाँ पर ये आपके जो टीबी के पेशेंट, ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ों को काफ़ी हल्के में लेते हैं। तो उसकी वजह से धीमी धीमी करके ये दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा एक इंड्यूस हो जाती हैं, काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं। तो यही आपकी सांस की रीजन बनती है। सर, देखा जाए तो आजकल युवाओं में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, ऐसा क्यों है? ये युवाओं में जो आपका जो टोबैको है, स्मोकिंग फैक्टर है, और आजकल जो आपका जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन की वजह से ये दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। इसमें आपका जो ब्रोंकाइटिस हुआ, सीओपीडी हुआ, अस्थमा हुआ, टीबी हुआ, ये सांस के सब एक कॉजेस। सांस के साथ साथ में जो आपकी जो हड्डी जो दिक्कत है, हड्डी की दिक्कत हमें इसलिए हमें ये पता नहीं लगती है, जब बाद में जब जांच होती हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम जो उसकी जो डायग्नोसिस होती है उसी से बनती है। डॉक्टर साहब, सवाल हमारा ये था, ये प्राथमिक दृष्टि से जैसे क्या उपचार कर सकते हैं, और जब बड़ी समस्याएं हो जाती हैं तो किस तरह की समस्याएं हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें? प्राथमिक समस्या तो आपकी जो जैसे कि जो पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन से हमें काफ़ी बचना चाहिए, और हमारे जो रिस्क फैक्टर है जो स्मोकिंग वगैरह, इसको काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। जितना इसे अवॉइड करेंगे हम इन बीमारियों से उतना ही हम दूर रहेंगे। अच्छा सर, ये किस तरह की जैसे समस्या हमको होती है, लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है? अगर चलने में कोई सांस फूल रही है, या जीना चढ़ने पर कोई सांस फूल रही है, या कोई भारी वजन उठा लेता है, जो हाफड़ी टाइप की जो फूल जाती है, जो हाफड़ी टाइप जो फूल जाते हैं, वही आपके ये सिम्टम्स होते हैं आपके। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके आसपास में जो भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे जाकर ऑन द स्पॉट आप संपर्क करिए। कोई भी आसपास की जो मेडिकल स्टोर वगैरह है, वहाँ पर जाकर इन चीज़ों की आप कोई मेडिसिन मत लीजिए। मेडिकल स्टोर से आपको जो जुकाम खांसी बुखार है, बस उनकी मेडिसिन आप ले सकते हैं, लेकिन कोई सांस वगैरह के मेडिसिन के लिए कोई भी वो मत करिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और था, सिटी हॉस्पिटल में आप लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस किस तरह की जो इमरजेंसी बीमारी है उनको आप देख लेते हैं? मैं यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में लास्ट के 3 महीने से हूँ, और यहाँ पर 24x7 आवर्स मैं यहाँ पर हूँ। ये पर ऊपर मेरा फ्लैट है मेरा, और मैं डॉक्टर चौधरी और एक मैडम और यहाँ पर, तो 24 हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर आईसीयू की सुविधा है, और हर तरह की इमरजेंसी देखी जाती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम एस लोधी, जिन्होंने सांस फूलने की बीमारी पर लंबी वार्ता की। आपको भी तमाम चीज़ें बताइए। हाँ, यदि आप में किसी तरह की सांस की बीमारी है, या अन्य किसी इमरजेंसी की सुविधा की आवश्यकता है, तो आप तुरंत आ सकते हैं बीसलपुर सिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर एम एस लोधी MBBS MD हैं, बेहतरीन उपचार करेंगे। हमारे साथ कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुर्ग के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।